नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ घिया के भरता। इतना होगा कि आप जैसे आपने खाया होगा भरता, बैंगन का भरता, आलू का भरता, कई चीज़ों का भरता खाया होगा आपने, टमाटर का, लेकिन आपने लौकी का भरता नहीं खाया होगा। तो लौकी का भरता इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी होगा। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। और आपने कभी नहीं बनाया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बार बना करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सभी को, जो लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, घिया के नाम पे नाक भौं सिकोड़ देते हैं, अरे घिया तो नहीं खाना, मेरे बच्चे भी घिया की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, लेकिन भरता खा लेते हैं, इसके पराठे खा लेते हैं, कई सारी चीज़ें खा लेते हैं, इसकी खीर हलवा सब खा लेते हैं, पर ये सब्जी नहीं खाते। और इस तरह से आप बना के देंगे तो बड़े बच्चे सभी पसंद करेंगे। आप इसे लंच बॉक्स में या ऐसे भी नाश्ते के साथ किसी भी चीज़ के साथ दे सकते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो। और फिर चलते हैं ये घिया का भरता बनाने के लिए क्या क्या लेना है और क्या क्या कैसे बनाते हैं। लौकी का भरता बनाने के लिए यहाँ पर ले लेंगे एक लौकी। ये देखिए, लौकी जब ले तो बिल्कुल ग्रीन सा ले इस तरह से, और उसमें बीज कम होगा तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और लौकी का भरता बनाने के लिए देखिए, इस तरह से लेंगे लौंग, और लौंग को इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से देखिए, लौंग को इस तरह से डाल देंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से लौंग ले करके मैंने देखिए इस तरह से लगा दिया है, और भी लगा देंगे, कम से कम 5-6 लगा देंगे। बड़ी लौकी है तो अपना 1-2 और बढ़ा सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब ये पकेगा तो। जिस तरह से बैंगन को पकाते हैं उसी तरह से इस लौकी को भी पका लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा कस के पुश कीजिएगा तो ये अंदर चला जाता है। देखिए, इस तरह से मैंने लौंग को लगा दिया है, ये देखिए इस तरह से। और जिस तरह से बैंगन भूनते हैं इसी पर रख करके मैं भून लूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर लेंगे सरसों का तेल है, ये थोड़ा सा लेंगे, ये ज़्यादा आ गया है, इसे कम कर लेंगे। ये देखिए, सिर्फ हाथ में लगा है, और इस तरह से लगा के लौकी को ऊपर लगा देंगे, जैसे बैंगन में भी लगाते हैं ऑयल को, उसी तरह से इसे भी लगा देंगे। यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने ये जाली रख दिया है, अब इसके ऊपर रख करके घुमा घुमा कर भूनते रहेंगे। ये देखिए, इस तरह से अलट पलट के पूरी लौकी पका देंगे। पकने के बाद बहुत ही अच्छी सी सौंधी सी इसकी भरता बनेगा, क्योंकि जैसे बैंगन बनाते हैं उसी तरह से बहुत ही टेस्टी बनेगा इसका। यदि ज़्यादा बड़ा हो, बनाने में दिक्कत हो रही हो, तो इसको कट भी कर सकते हैं बीच से। ये देखिए, लौकी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने इसे 2 टुकड़े कर दिए हैं, पकाने में अच्छे से नहीं हो रहा था। ये देखिए, घिया के साथ ही मैं एक लहसुन की वो रख दूँगी गांठ, ये भी पक जाएंगे। ये देखिए, लहसुन की गांठ पक गई है अच्छी तरह, मैं इसे हटा दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को भी रख दिया है इसी पे, और ये जब चूल्हे पे पक जाएगा आग पे तो बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट भी होगा और खुशबू भी होगा। ये देखिए, यहाँ पर लहसुन जो मैंने पकाया था उसको अच्छी तरह से छील लिया है इसे। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है पानी, और ये जो कि घिया मैंने अलट पलट के पकाया है, देखिए मैंने पूरी तरह से काली कर दी है पका करके, और देखिए बिल्कुल पक गया है अच्छा से, जैसे बैंगन पकता है। अब इसे मैं पानी में डाल दूंगी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पानी में डाल देंगे, और हाथों से इस तरह से रब करेंगे ना, या चाकू से इस तरह से करेंगे तो ये देखिए इस तरह से सारा साफ हो जाएगा। ये तो इसी तरह से सारे क्लीन कर लेंगे इसका जो छिलका जला हुआ है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से पूरा ही साफ हो जाएगा ये, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट भी आएगा। ये देखिए, हमारे टमाटर भी पक गए हैं, और इसे भी मैंने निकाल लिया है, इसे निकाल कर मैं छील लूँगी अच्छे से। ये देखिए, मैंने इस तरह से पानी में डाल करके और इसे अच्छे से इस चाकू से रगड़ के इसका स्किन हटा दिया है, और मैं इस तरह से काट लूँगी। देखिए, इस तरह से काट के देखिए, बिल्कुल पक गए हैं अच्छे से, ये देखिए। और जो नहीं पके हैं थोड़ी बहुत, वो बाद में हो जाएगा, तो इस तरह से छोटे टुकड़े करके चॉप कर देंगे इसे चॉपर में डाल के। इस तरह से जो भूनते हैं ना आग पे, उसकी टेस्ट ही बहुत ही अच्छा होता है। आप एक बार खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, इस तरह से सभी को छोटे टुकड़े में काट लेंगे।
ये देखिए गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें एक बड़े चम्मच तेल डाला है। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी हींग। हींग जो होता है पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया बना रहता है। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी आधी छोटी चम्मच जीरा। ये देखिए मैंने दो मीडियम आकार के प्याज को अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डाल देंगे इसमें। ये दो तीन मैंने बारीक काट करके रखा है, हरी मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप यदि कम मिर्ची खाते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो मैंने लहसुन को भूना था, उसे काट लिया है बारीक बारीक, इसे भी इसी समय डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर डाल दूंगी अदरक कुटा हुआ, थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ है ये। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर, यह तीखा नहीं होता है। मसाले से खुशबू आने लगी है, मसाले थोड़े से भून गए। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद डाल देंगे नमक। मैंने जो लौकी क्रश करके रखा था, देखिए मैंने अभी डाल दिया इसमें। और मैं डालते समय कैमरा ऑन करना भूल गई थी। डालने के बाद मैंने इसे चला लिया है और इसे थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि इसमें जूस थोड़ा सा ज़्यादा होता है घिया में। इसे अच्छे से चला करके और इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, दो तीन मिनट के लिए। जो थोड़ा बहुत कच्चा रह गया था, वैसे तो हमने पका लिया था, लेकिन जो थोड़ी बहुत कच्चा रह गया था वो अच्छे से कुक हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए अब ढक्कन हटा करके देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि आपको भरता थोड़ा सा सूखा लगे तो हल्का सा पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल देंगे हरी धनिया, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे भी दो चार बार चला लेंगे। यहाँ पर डाल देंगे कस्तूरी मेथी। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्वाद लेकर के आएगा, इसे बहुत ही अच्छा स्वाद हो जाएगा, स्वाद बिल्कुल बढ़ जाएगा। इस तरह से आप घिया का भरता बनाएंगे तो आप जहाँ पे दो रोटी खाते हैं एक रोटी ज़्यादा खा लेंगे, और खाने का भूख भी नहीं होगा, फिर भी लगेगा कि भूख लग रही है, क्योंकि इतनी टेस्टी इसका भरता बनता है। यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा नींबू, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। आप यदि नींबू नहीं डालना चाहते हैं, यदि नींबू नहीं है आपके पास, तो आप चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है भरता, अभी इसे गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा लौकी का भरता बन करके तैयार हो गया है। अब इसे हम कर देंगे प्लेट। ये देखिए मैंने कर दिया है प्लेटिंग। ये देखिए हमारा भरता बिल्कुल तैयार हो गया है। और यदि आपको थोड़ा सा लिक्विडी टाइप का चाहिए, गीला चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं बनाते समय। और यदि इसी तरह से चाहिए तो बिल्कुल ये सूखा भी नहीं है, गीला भी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार हुआ है। इस तरह से आप पूड़ी पराठे या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, सभी चीज़ के साथ ये खा सकते हैं। बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। नमस्कार।